इधर कल दुमका में 3 हार्डकोर माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बता दें, इन पर 5-5 लाख का इनाम था। पुलिस को कई कांडों में इनकी तलाश थी। 3 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इनके नाम छिलमिल उर्फ गहना राय उर्फ राजेंद्र राय, सोकुल दा उर्फ रिमिल दा और संतु छोटा श्यामल देहरी है। इसमें छोटा श्यामल 1 लाख, राजेंद्र देहरी पर 5 लाख और रिमिल दा 5 लाख का इनामी है। नक्सलियों का जो एक सो कॉल्ड दबदबा था दुमका में, अब उसकी बैकबोन हमने तोड़ दी है। शुरू से ही जिला प्रशासन, जिला पुलिस और एसएसबी ने मिलकर के ये प्लान किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप ये नक्सल मिलान से इसको हम खत्म करेंगे। इनके खिलाफ कई थानों में नक्सली घटनाओं में शामिल होने का मामला दर्ज है। इन 3 नक्सलियों को झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति नई दिशा के तहत मिलने वाले लाभ दिए जाएंगे। आत्मसमर्पण है ये एक दिन का मेहनत नहीं है, ये पिछले लगातार किए गए एफर्ट्स का ही परिणाम है। और पुलिस का काम है नॉक करना, ऑपरेशन करना। हमारे पास एक्टिव तरीका भी है, पैसिव तरीका भी है। तो इसके माध्यम से, आज के ये सरेंडर के माध्यम से यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक्टिव वे में काम कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन से समन्वय करके हम पैसिव तरीके से भी इसको ये करेंगे। इन नक्सलियों ने कई आम सुरक्षा बलों को सौंपा है। छोटा श्यामल के पास से पिस्टल, राजेंद्र राय के पास से राइफल और रिमिल दाने भी राइफल सौंपा है। समर्पण करने वाले इन नक्सलियों को तत्काल नकद राशि दी गई। 2018 का है, उससे प्रभावित होकर 3 नक्सल सरेंडर हुए हैं, जिसमें से राजेंद्र राय उर्फ गहना 5 लाख का इनामी है, रिमिल उर्फ रिमिल हेमरम 5 लाख का इनामी है, छोटा श्यामल 1 लाख का इनामी है। तो पिछले कई दिनों से इनके परिवार हमारे संपर्क में थे। बता दें कि श्याम लाल को 4,25,000 रुपए, राजेंद्र को 8,15,000 रुपए और रिमिल दा को 8,15,000 रुपए दिए गए। वैसे सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति के तहत इन्हें जमीन और अन्य जो सुविधाएं दी जाती है उसकी राशि 80 लाख के आसपास होती है। उनके ऊपर जो इनाम है उसके अलावा उनको आत्मसमर्पण का राशि 3 लाख रुपए, उनका यदि हथियार सरेंडर होता है तो उसका 15,000 रुपए और कुल मिला के ये 5 से 10 लाख का सरेंडर पॉलिसी है। लेकिन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में इनको जमीन, 4 डिसमिल का जमीन इनके लिए बंदोबस्त करना है। साथ ही साथ उनको प्रधानमंत्री आवास जो 1,30,000 रुपये से ज़्यादा है वो प्रधानमंत्री आवास इनके लिए सैंक्शन करना है। इनके जितने भी बच्चे हैं और डिपेंडेंट्स हैं उनके आर्थिक मदद करना है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए झारखंड सरकार की नीति काफी अच्छी है। जरूरत है समाज से भटके लोग इसका लाभ ले, वरना अगर वे शासन को चुनौती देंगे तो इसका भी जवाब उन्हें मिलेगा। लेकिन आज के समर्पण से उम्मीद करनी चाहिए कि क्षेत्र में शांति जरूर आएगी। दुमका से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट।